Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 3 heat and temperature, the lecture 11, and today's topic that heat expansion in liquids. Hello dosto, aap sabhi ka mere YouTube channel mein swagat hai. Aaj hum padhenge adhyay 3 ushma aur taap heat and temperature ka lecture 11. जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड अर्थात द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। तो इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कि द्रव पदार्थ में किस प्रकार से ऊष्मा का प्रसार होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यू नो दैट लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेल। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो द्रव का अपना कोई आकार नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ द यूटिन सेल इन विच दे आर कैप्ड। ओके, तो इस द्रव को जिस बर्तन में हम लोग रख देते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। व्हेन वी हीट एनी लिक्विड इन द यूटिन सेल, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ यूटिन सेल टेक प्लेस फॉलोड बाय एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ओके, तो जब हम किसी द्रव को बर्तन में रखकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले बर्तन का प्रसार होता है, इसके पश्चात द्रव का प्रसार होता है। ओके, हेंस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज ऑफ टू टाइप। अतः इस प्रकार से आयतन प्रसार दो प्रकार का होता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, आयतन प्रसार ही संभव होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है इसमें आयतन प्रसार अर्थात वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है हेंस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज ऑफ टू टाइप्स। अर्थात जो आयतन प्रसार है वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट इज द अपेरेंट एक्सपेंशन एंड सेकंड इज द रियल एक्सपेंशन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अपेरेंट एक्सपेंशन एवं रियल एक्सपेंशन क्या होता। फर्स्ट अपेरेंट एक्सपेंशन अर्थात आभासी प्रसार। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आभासी प्रसार क्या होता है। यदि बर्तन के प्रसार का ध्यान रखा जाए तब द्रव में होने वाले प्रसार को अपेरेंट एक्सपेंशन या आभासी प्रसार कहते हैं। ओके, तो अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होता है, यदि बर्तन के प्रसार का ध्यान न रखा जाए तब द्रव में होने वाले प्रसार को आभासी प्रसार या अपेरेंट एक्सपेंशन कहता है। ओके, तो मान लीजिए कोई भी हम लोग पदार्थ लेते हैं, तो जो बर्तन का जो प्रसार होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अर्थात उसको काउंट नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में जो होने वाला जो प्रसार होता है उसको अपेरेंट एक्सपेंशन कहता है। ओके, सेकंड रियल एक्सपेंशन अर्थात वास्तविक प्रसार। बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है उसे रियल एक्सपेंशन या वास्तविक प्रसार कहता है। तो रियल एक्सपेंशन या वास्तविक प्रसार क्या होता है, जिसमें बर्तन के प्रसार को भी ध्यान में रखा जाता है, उससे द्रव में होने वाला जो प्रसार होता है उसको वास्तविक प्रसार कहता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा कि जो अपेरेंट एक्सपेंशन होता है इसमें जो बर्तन का जो प्रसार होता है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता और वो होने वाला जो प्रसार होता है उसको अपेरेंट एक्सपेंशन कहता है। और रियल एक्सपेंशन में क्या होता है, तो बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखने वाले द्रव में जो प्रसार होता है उसी को ही रियल एक्सपेंशन कहता है। ओके, कम लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए हम द्रव के प्रसार को नीचे दिए गए क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि द्रव में किस प्रकार से प्रसार होता है। ओके, एक्टिविटी सिक्स क्रियाकलाप छ टेक अ ग्लास फ्लास्क। ओके, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम लोग कांच के एक फ्लास्क लेते हैं। पुट अ थिन एंड ट्रांसपेरेंट फॉलो रॉड इन इट। उसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पतले व पारदर्शी नली लगा देते हैं। फिर द फ्लास्क टू द ब्रिम विथ वॉट यू एंड सी इज ओपन माउथ विद अ कॉर्क। ओके, तो इसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे फ्लास्क में ऊपर तक द्रव भर देते हैं और फ्लास्क का मुंह को कार्क के द्वारा बंद कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं फिगर 12 द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग थर्मल एक्सपेंशन अर्थात द्रव के आयतन में ऊष्मीय प्रसार। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रियल एक्सपेंशन प्रदर्शित है, वास्तविक प्रसार एवं अपेरेंट एक्सपेंशन अर्थात आभासी प्रसार प्रदर्शित है। यहाँ पर डिनोट किया गया ए बी और सी। ओके, सपोज द लेवल ऑफ लिक्विड इन द रॉड इज इनिशियली एट ए। ओके, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में जो द्रव का तल है वह ए तक। ओके, ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर यहाँ तक क्या है, शुरुआत में द्रव का तल ए तक है। आर हिटिंग द फ्लॉस द लेवल ऑफ लिक्विड फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम ए टू बी एंड देन इट इंक्रीज फ्रॉम बी टू सी एज सोन इन द फिगर। जब इसको गर्म किया जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, तो जो द्रव का जो तल है सबसे पहले ए से बी तक गिरता है, उसके पश्चात बी से सी तक बढ़ता है, जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि
तो यहाँ से हम लोग घेर देते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, वह सबसे पहले जो द्रव का तल होता है इसी भी तक नीचे गिरता है, उसके पश्चात भी से सी तक आगे बढ़ता है। ओके, कैन यू टेल व्हाई दिस हैपन, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसके कारण को समझते हैं कि यह क्यों होता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि जो सबसे पहले हम लोग किसी भी कंपोनेंट्स को गर्म करते हैं, अर्थात किसी भी बर्तन में रखकर द्रव को गर्म करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले जो बर्तन होता है उसका प्रसार होता है, उसके पश्चात ही क्या होता है वहाँ उस पर उस कंपोनेंट में उपस्थित द्रव का प्रसार होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब इस पात्र को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले जो फ्लास्क है वह गर्म होता है, जिसकी वजह से इसका प्रसार होता है, इस वजह से जो द्रव का तल है वह इसे भीतर गिरता है, इसके पश्चात क्या होता है, जो ऊष्मा होता है वह द्रव को मिलता है, जिसकी वजह से द्रव का जो प्रसार होता है और वह बी से सी तक बढ़ता है। तो वह आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये किस प्रकार से होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सबसे सर्वप्रथम ऊष्मा क्या मिलता है, बर्तन को मिलता है, जिसकी वजह से बर्तन का प्रसार होता है, इस स्थिति में जो द्रव का स्तर हुआ इसे भीतर गिरता है, इसके पश्चात जो ऊष्मा हवा द्रव को मिलता है, जिसकी वजह से द्रव का स्तर बी से सी तक बढ़ता है। ओके, On hitting the heat energy first reaches the flask and this is and flask and thus it expands. Okay, तो गर्म केंद्र पर सबसे पहले उसमें क्या होता है, फ्लास्क को मिलता है, जिस कारण फ्लास्क फैल जाता है। The level of water decreases, जिसकी वजह से जो पानी की स्तर वहाँ नीचे गिर जाता है। Okay, after this the heat is absorbed by the liquid and it starts to expand. Due to this the level of water can be seen as rising. इसके पश्चात जो ऊष्मा होता है वह द्रव को मिलता है और वह फैलने लगता है, जिस कारण से द्रव का तल वह ऊपर उठता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, नो डाउन द लेवल एट ए बी एंड सी, तलो ए बी एवं सी का मान को नोट करते हैं। वी कैन सी दैट द अपर एंड एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज फ्रॉम ई टू सी, वाइल द रियल एक्सपेंशन इज फ्रॉम बी टू सी। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो द्रव का जो आभासी प्रसार होता है वह ई से सी तक होता है, एवं इसका जो वास्तविक प्रसार होता है बी से सी तक होता है। ओके, तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं द्रव का जो डायरेक्ट प्रसार है वह ई से सी तक हुआ क्या, नहीं। ओके, तो उसका प्रसार कहाँ से हुआ, उसका जो एक्चुअल प्रसार हुआ वह तो बी से सी तक हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग बी से सी को रियल एक्सपेंशन कहेंगे और जो ए से सी है उसको अपरिण एक्सपेंशन। ओके, ए टू बी इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क, ए से बी तक फ्लास्क का प्रसार है। ओके, तो ए से बी तक क्या है, जो फ्लास्क का प्रसार है। फॉर अपरेंट एक्सपेंशन द एक्सपेंशन ऑफ यूटेंसिल इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, हाउएवर इन रियल एक्सपेंशन द एक्सपेंशन ऑफ यूटेंसिल इज आल्सो कंसीडर्ड। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखेगा कि जो द्रव के आभासी प्रसार होता है, जो अपरेंट एक्सपेंशन होता है, इसमें क्या होता है, बर्तन के प्रसार को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ओके, परंतु जो वास्तविक प्रसार होता है, जो रियल एक्सपेंशन होता है, इसमें क्या किया जाता है, बर्तन के प्रसार को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बर्तन का प्रसार तो ई से बी तक है, परंतु अपरेंट एक्सपेंशन में इसको शामिल किया गया क्या, नहीं। परंतु हम लोग रियल एक्सपेंशन की बात करें तो रियल एक्सपेंशन में क्या है, बर्तन के प्रसार ए बी को भी शामिल किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से देख सकते हैं बी सी इक्वल ई सी प्लस ए बी। ओके, तो बी टू सी क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बी टू सी इज अ रियल एक्सपेंशन एंड ई टू सी इज अपरेंट एक्सपेंशन एंड ई टू बी इज द एक्सपेंशन ऑफ यूटेंसिल। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं देयरफॉर द रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इक्वल अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ यूटेंसिल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि द्रव पदार्थ में किस प्रकार से एक्सपेंशन होता है। ओके, नो दिस, यह भी जानिए, लाइक ऑल अदर लिक्विड्स वाटर आल्सो एक्सपेंस ऑन हीटिंग, अन्य द्रव की तरह पानी भी गर्म करने पर फैलता है। बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट वाटर डज नॉट एक्सपेंड बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो परंतु इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पानी होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य नहीं फैलता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दिस इज द रीजन ड्यू टू विच एक्वाटिक लाइफ इज पॉसिबल इन कोल्डर रीजन्स, यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में भी जलीय जीवन सुरक्षित रह पाता है। इवन इफ द टेम्परेचर्स ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ लोअर लेयर्स रिमेंस 4 डिग्री सेल्सियस एंड हेंस द एक्वाटिक लाइफ रिमेंस सेफ। ओके, तो इस प्रकार से पानी की ऊपरी सतह का जो स्तर है वह 0 डिग्री सेल्सियस से क्या है,
कम हो जाए फिर भी तालाबों के निचले स्तर का जो ताप है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिस कारण से जल जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचता। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो प्राणी है या फिर जो जीव है वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यदि कोई भी तालाब या फिर नदी का जो पानी है क्या होगा, यदि 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए फिर भी जो निचले स्तर का जो पानी होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वह वहां पर सर्वाइव कर पाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।